बहराइच मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे सीएम योगी। लाल निशान लगाए जाने से हड़कंप। अवैध अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, बौखलाया विपक्ष। ओवैसी मदनी के साथ विपक्षी नेताओं ने योगी पर उठाए सवाल। बहराइच हिंसा के बाद कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। महाराजगंज में हाल ही में हुए विवाद के बाद अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से अगर आपने देखा कि बहराइच का मामला सामने आया, जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन के वक्त कई जगहों पर हंगामे देखने के लिए मिले, अब योगी सरकार से लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई अवैध निर्माण पहले ही चिन्हित कर लिए गए हैं। राजस्व और लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। अधिकारी ने इस मुद्दे पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की, लेकिन मुख्य आरोपी समेत 30 से 40 मकानों पर बुलडोजर चलने की संभावना जताई जा रही है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों की शिकायत पर मासी के विभिन्न कस्बों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। महाराजगंज में सड़क किनारे अतिक्रमण चिन्हित कर निशान लगाए जा चुके हैं। प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हुए बवाल के बाद कस्बे में फिर से कार्रवाई होने की उम्मीद बढ़ गई है। अधिकारियों ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी साधी है, लेकिन माना जा रहा है कि अतिक्रमण विरोधी अभियान में बवाल के आरोपियों के मकान भी आ सकते हैं। एसडीएम अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि कई दुकानदार अवैध रूप से अतिक्रमण कर लेते हैं। ग्रामीणों की नई शिकायतों की जांच की जा रही है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि महाराजगंज कस्बे में दुकानदारों ने टीन शेड लगाकर अवैध कब्जा किया, जिसमें सड़क सक्रिय हो गई है। इसके शोभा यात्रा और अन्य आयोजन के दौरान भीड़ के आवागमन में समस्या होती है। महाराजगंज में हालिया हिंसा का एक कारण यह भी रहा कि अतिक्रमण जो है बताया जा रहा है। बता दें आपको, पुलिस द्वारा पकड़े गए 5 आरोपियों में से 2 मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुरक्षा के तहत पुलिस और आरआरएफ जवानों की तैनाती की गई, जिसमें अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि रविवार को रामगोपाल की हत्या के बाद से जिले में हिंसा भड़क उठी थी। हालात इतने बेकाबू हो गए कि एडीजी कानून व्यवस्था, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और गृह सचिव को बहराइच आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और इस मामले में रिंकू उर्फ सरफराज, तालिब उर्फ सबलू और अन्य को गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको कि दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान कई जिलों में हुई हिंसा पर सीएम योगी की सख्ती के बाद डीजीपी ने सभी जोन के एडीजी से रिपोर्ट तलब की थी। जिन 3 जोन में घटनाएं हुई वो जोन है गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन 3 जोन में एडीजी ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी। सूत्रों की माने तो जिन जिलों में अधिकारियों की लापरवाही से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, उन अधिकारियों पर जल्द कार्रवाई की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक जिन आधा दर्जन के करीब जिलों में घटनाएं हुई, उन जिलों की घटनाओं को लेकर डीजीपी ने सभी संबंधित एडीजी जोन से रिपोर्ट मांगी थी। सूत्रों की माने तो यह रिपोर्ट सौंप दी गई है और ऐसे में मासी के सीओ रुपेंद्र कुमार गौड़ को निलंबित करने के बाद बहराइच के कुछ अन्य अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। इसके साथ ही गोंडा, बलरामपुर, काशीनगर, देवरिया, कौशंबी में हुई घटनाओं की रिपोर्ट भी डीजीपी तक पहुंच गई है। बहराइच घटना की बात करें तो बहराइच में मासी में महाराजगंज में जिस जगह पर घटना हुई थी, वहां स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां 1996 से मूर्ति विसर्जन होता है। रास्ता हमेशा यही रहता है। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति रहती है। इस कारण यहां लोकल पुलिस के साथ साथ पीएसी भी हर घरों पर तैनात किए जाते हैं। पर इस बार जो है पीएसी की टुकड़ी तो थी, लेकिन उनकी तैनाती बहुत लचर थी। उनके घरों पर तैनाती नहीं की गई थी। शुरुआती जांच में स्थानीय चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष और सीओ पर कार्रवाई हुई, पर अभी कुछ और भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में हिंसा के बाद लगातार तनाव बना हुआ है। यहां मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई, गोली चली, 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में योगी सरकार द्वारा ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। वह इस मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है, क्योंकि विपक्ष इस मामले को लेकर बौखलाया हुआ है, लगातार सीएम योगी से सवाल कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बहराइच में हिंसा के बाद मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई, लेकिन प्रशासन हिंसक घटनाओं को रोकने में विफल हो रहा। जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में लापरवाही बरती, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
रियासती जमीयत उलेमा से लेकर सेवा कर पीड़ितों की मदद के लिए सक्रिय है। गांव में मुस्लिम युवकों की एक तरफा गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मौलाना अरशद मदनी के आगे लिखा कि एक मुस्लिम के घर में घुसकर उसकी पिटाई करने और घर की छत पर भगवा झंडा फहराने वाले असली अपराधी अभी भी दंगाइयों के मामले सामने आने के बावजूद उत्पाद में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। निर्दोष रूप से गिरफ्तार किए गए लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। और इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, बहराइच हिंसा के आरोपियों के पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में हर कोई जानता। अगर पुलिस के पास इतने सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी सजा दिलाने की कोशिश की जाती। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान है, क्या कुछ कहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है, कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जैसा कि आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने इस मामले के लिए कहा कि फेक इनकाउंटर है और इस तरीके से जो है सिचुएशन जो है खराब करने की कोशिश की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, इस वजह से इसे दबाने के लिए ऐसे फेक इनकाउंटर जो है किए जाते हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रेत का भी बयान है, क्या कह रही है सुप्रिया श्रेत। देखिये, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतरघात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हुआ, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां पर वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। जैसे कि आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुना, उनका भी ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और इसे लचर लॉ एंड ऑर्डर को अब एक तरह से इसे कवर अप करने के लिए इस तरीके के फेक एनकाउंटर जो है किए जा रहे हैं। वही इस मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं का भी बयान सामने आया है, जहां पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का बयान सामने आया, क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। देखिए, ये दो लोग भाग रहे थे, बॉर्डर पार करके जाना चाहते, नेपाल जाना चाहते थे। पुलिस के पास जानकारी आई, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ये तो तारीफ करनी चाहिए यूपी पुलिस की कि वे अलर्ट है। और ये समझ लीजिए, आप धर्म के नाम पर किसी पर हमला करेंगे और उसके बाद सोच लेंगे आप भाग सकते हैं यहां से, ये होने वाला नहीं इस देश में।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है अन्य तरीके की सरकार है और योगी राज में इस तरीके की बदमाशी जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा और एक्शन जो है लगातार आरोपियों के खिलाफ जरूर जो है लिए जाएंगे और ये बात जो है सभी को समझ आ जानी चाहिए। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्शन लिया गया है वो बिल्कुल सटीक है और इस तरीके के एक्शन लेने जरूरी है। गिरिराज सिंह का भी इस मामले पर बयान है, क्या कहना है बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का, जरा सुनिए। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। तो जैसा कि आपने गिरिराज सिंह को भी सुना, एक तरफ बीजेपी नेता है जो इस कार्रवाई को पूरी तरीके से सटीक बता रहे हैं और कह रही है कि बड़ा एक्शन हुआ है, होना भी चाहिए, तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष के नेता है ओवैसी जो है मदनी है, अखिलेश यादव है, सुप्रिया सुलेत है, जो इस मामले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, पूरा मामले पर अब आपकी भी जुड़ाव हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।